नमस्कार सभी को। आज हम कक्षा 8 की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 3 से द्वितीय पाठ बिलस्य वाणी न कदापि में श्रोता नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने मुख्य पात्र पशु पक्षियों को बनाया है। लेखक विष्णु शर्मा जी कहते हैं कि विपत्ति के समय जो अच्छा कार्य करता है वही सुख पाता है, अर्थात जो बिना सोचे समझे कार्य करता है उसे दुख प्राप्त होता है। इसलिए हमें भी सोच समझकर ही कार्य को संतोष पूर्वक करना चाहिए। कस्मिंचित वने खरखर नाम स्य प्रतिवसति स्म स कदाचित इतस्तत परिभ्रमण क्षुब्धार्थ न किंचिदपि आहार प्राप्तवान्। ततः सूर्यास्त समय एका महती गुहा दृष्ट्वा स अचिन्तयत् नूनम एतस्या गुहाया रात्रौ को अपि जीव आगच्छति, अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति। अर्थात किसी वन में खरखर नाम का एक शेर निवास करता था। वह भूख के मारे भटका, लेकिन उसे कहीं से भी भोजन प्राप्त नहीं हुआ। सूर्यास्त के समय उसे एक गुफा दिखाई दिया। उसने सोचा कि रात में निश्चय ही यहाँ कोई आता होगा, इसलिए मैं यहीं छुपकर बैठ जाता हूँ। एतस्मिन् अन्तरे गुहाया स्वामी ददिपुच्छ नाम शृंगाल समा गच्छत स च यावत पश्यति तावत सिंहपत पद्धति गुहाया प्रवष्टा दृष्टते न च बाहिरागता श्रृंगाल अचिन्तयत् अहो विनष्टोऽस्मि नूनम अस्मिन् विले सिंह अस्तीति तर्कयामि। अर्थात इसी दौरान ददीपुच नामक गुफा का स्वामी एक सिहार वहां पहुंचा। अर्थात जैसे ही उसने देखा शेर के पैर के निशान, परंतु बाहर आते हुए शेर के पैर के निशान नहीं दिखाई दिए। सिहार ने सोचा अब मेरी मृत्यु निश्चित है, निश्चय ही यहाँ शेर बैठा है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए। तत् किम कर्माणि एवं विचिन्त्यत दूरस्त्रव कर्तुमारब्ध भोबिल भोबिल किम न स्मरसि यन्मन्या त्वया स समय कृतो अस्ति यत् यदा ब्रहात प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं माम अकारयिष्यसि, यदि त्वं माम न आवायसि त्राहि अहम् द्वितीय विल यास्यामि इति। अर्थात ऐसा सोचकर सियार ने आवाज लगानी शुरू कर दी। हे गुफा, क्या तुझे याद नहीं है? तूने मेरे साथ समझौता किया था, जब मैं बाहर से लौटकर आऊंगा तो तू मुझे पुकारेगी। हे गुफा, यदि तू मुझे नहीं पुकारेगी तो मैं दूसरी गुफा में चले जाऊंगा। अत एतच्युत्वा सिंह अचिन्तयत् नून मेषा गुफा स्वामिना सदा समावाना करोति परंतु मद भयात न किंचित वदति। अर्थात यह बात सुनकर शेर ने कहा कि निश्चित ही यह गुफा अपने स्वामी का नाम लेकर पुकारती है, परंतु शायद मेरे डर के कारण कुछ नहीं बोल रही है। सही कहा गया। भय संतस्त मनसा हस्त पादादिका क्रिया प्रवंतते न बाणी च बे पथुश्चताधिको भवेत्। अर्थात जिसके मन में भय या डर समा गया है उसके हाथ पैरों की क्रियाएं काम नहीं करती और उसके शरीर की कंपन बढ़ जाती है। तहम अस्य आह्वान करोमि एवं स विले प्रविश्य मैं भोज्य भविष्यति इत्य विचार्य सिंह सहसा श्रृंगालस्य आह्वान करोत् सिंहस्य उच्च गर्जनम प्रतिध्वनिनाम स गुफा उच्चे श्रृंगालम आवायत अनेन अन्येपि पशुव भयभीता अभवन श्रृंगालोपि तत् दूर पलायमान इमं पठत्। अर्थात मैं ही इसको पुकारता हूँ, इस प्रकार वह गुफा में प्रवेश करेगा। यहाँ सियार ने जो चालाकी भरी बातों को बोला सियार उसकी बातों को सच मान बैठा, तो ऐसा सोचकर शेर सियार को आवाज लगानी शुरू करने लगा। इस ध्वनि के कारण दूसरे जानवर भी डर गए, अर्थात सियार ने भी दूर भागते हुए श्लोक पढ़ा। अनागत य कुरुते न शोभते स शोचते यो न करोत्यनागतम
वनेत्र संस्थस्य समागता जरा विलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। अर्थात आए हुए विपत्ति में जो कार्य करता है वही सुख पाता है, अर्थात जो बिना सोचे समझे कार्य करता है उसे दुख प्राप्त होता है। अर्थात इस वन में मैं बूढ़ा हो गया हूँ, परंतु मैंने गुफा को बोलते हुए कभी नहीं सुना होगा। धन्यवाद।